सारी मार्केट, और यहाँ से गाड़ी पार्क करने के बाद लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद पहुँचते हैं देवरिया ताल। चलते हैं गेट पे, तो ये रहा देवरिया ताल गेट। डेट 3 दिसंबर, लोकेशन सारी विलेज, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, स्टेट उत्तराखंड, और टाइम हुआ है 4:26 और डेस्टिनेशन है देवरिया ताल। तो अभी चल रहे हम लोग, मुश्किल से 100 मीटर आए हैं गाड़ी पार्क करने के बाद, मुश्किल से 100 मीटर चले हैं और लगता है कि 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे। पहले तो उससे पहले और नाइट कैंपिंग होगी आज देवरिया ताल में। तो और यहाँ पे रहने की खाने की पूरी व्यवस्था है। 5:04 और 6 बजे गुप्त अंधेरा हो जाएगा, सर्दियों का टाइम है। और 2 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा टेंट कॉलोनी आएगा टॉप पे, और टॉप से रास्ता इधर को जा रहा है। अभी पता नहीं सीधा है या फिर चढ़ाई है, ये पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हम लोग भी। 2.5 किलोमीटर की दूरी बाई ट्रैक। 16 मिनट हो गया है और लगभग ताल के नज़दीक ये सामने जो है ताल नज़र आने लगा है, और हम पहुंच गए हैं बिल्कुल ताल के बगल में। ये रहा देवरिया ताल, सामने चौखंबा पीक। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ ब्यूटी। ये है इवनिंग व्यू देवरिया ताल का, और ताल का साइज जो दिमाग में था उससे बहुत बड़ा है। फोटो में देखा था काफी छोटा लग रहा था, बट साइज। यह है कैंपिंग की सामग्री, दूध है चाय बनाने के लिए, और बाकी नींबू है, और अपने पास सेब है, संतरा है, टमाटर है, प्याज है, धनिया है, तेल है, चिकन बनेगा इससे, और बाकी तो मसाले और चावल। और ये लोग इधर कटिंग चल रही, फिर दोबारा ये यहाँ पे नाइट कैंपिंग हो गई स्टार्ट, और अभी चल रहा है चिकन की कटिंग चल रही है, उसके बाद बनाया जाएगा चिकन भात और खाया जाएगा और एंजॉय किया जाएगा। एक रात देवरिया ताल के पास। टाइम 6:34, डेट 4 दिसंबर मॉर्निंग। ये है फॉरेस्ट विभाग का वॉच टावर, जिस पे रात को टेंट लगा के हम लोगों ने स्टे किया। सेफ, सबसे सेफ जगह थी। और सामने चौखंबा का व्यू, और अभी हो रहा है पानी गर्म सुबह की चाय के लिए, क्योंकि लगभग टाइम हो गया 6:30 का। तो अभी चाय बनाने के लिए पानी गर्म हो रहा है। ये हो गई सुबह की चाय तैयार, टाइम हो गया है 7:05 और हल्की सी धूप आ गई है हिमालय श्रृंखला पे। ये सामने, यहाँ धूप आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यह वॉच टावर, ब्रेकफास्ट के घंटे यह है यानी किचन, और यह है तालाब। ये वहाँ से स्टार्ट और एंड पॉइंट है
लगभग 200 मीटर, लगभग 200 से ऊपर है ये, 200 मीटर, या 200 मीटर, तो काफी लंबा एरिया है तालाब का। यह है वॉच टावर पे आने का रास्ता, और बेस था ये डोम टेंट का बेस, और ये रहे टेंट। चाय हो रही है तैयार, दूसरी चाय। डेट 4 दिसंबर ईयर 2020, लोकेशन यार चाय पे जा खड़ी है, चाय पत्ती शायद कह रहे हैं बॉस ज़्यादा डाल दी इन्होंने, क्योंकि फीकी पीने वाले हमारे साथ इधर बॉस है। फीकी वालों के लिए होगी फीकी तैयार, और इसके बाद इसमें डाला जाएगा दूध जो कि नेचुरल है, और अभी इसमें भाई साहब डालेंगे दूध नेचुरल वाला, अभी अभी छुटाला है हमने, छुटाला वाला थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसकी रेसिपी हम बाद में बताएंगे आप लोगों को। ये ऐसे में दिख नहीं रहा होगा ब्रांड, तो हम आप, हाँ ये आपको अगर डाउट हो रहा है तो हम इसको बोतल उल्टी करके, ढक्कन खोल के उल्टी भी कर सकते हैं, धार भी दिखा दूध नहीं दूध धार देखो, दूध नहीं दूध की धार देखो, ये देखो, ये देखो, ये प्योर दूध, प्योर, ये देखो कलर चेंज, कलर चेंज हो रहा है। ये 360 डिग्री व्यू है, देवरिया ताल डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग स्टेट उत्तराखंड। हाँ ये जो नीचे तालाब का व्यू है, और गवर्नमेंट यहाँ पे बोटिंग करवा सकती है वैसे अगर चाहे तो। ग्यारह बज के 12 मिनट, और वापसी की तैयारी है। ताल का व्यू नहीं ले पाए थे, बिमल भाई। ये है एक्चुअल तालाब का साइज, और तालाब में मछलियां हैं, कलरफुल नहीं है, बदानी ताल में कलरफुल मछलियां हैं। और दूसरा तालाब का साइज बहुत बड़ा और गहरा भी है शायद, ये तैरने की सोच रहे हैं, ये आज अभी तैर के दिखाएंगे आपको।
ये है देवरिया ताल और ये है तालाब का व्यू। और तालाब के चारों ओर सराउंडिंग में रास्ता बना हुआ है और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं कहते हैं कि परिक्रमा करके जाते हैं लोग, तो अभी हम लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं एक रात बिताने के बाद, नेचर का मज़ा लेने के बाद और चीज़ों का मज़ा लेने के बाद, अनुभव करने के बाद। आज 4 तारीख दिसंबर 2020 वापसी का है, तो चलते हैं वापस। और कल वीडियो नहीं बना पाए आते हुए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास लगेज ज़्यादा था, जैसे कि अभी भी आप देख पा रहे होंगे 2 बंदों के पास लगेज बहुत ज़्यादा है, मेरे पास एक छोटा सा बैग है। मैं रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को आज थोड़ा सा फ्री किया जाए, मेरे हाथों में कुछ ना दिया जाए, तो पीठ पे कैरी बैग है, बैकपैक। और अभी चल रहे हैं, सुंदर सा नज़ारा। ये देखो चल पड़े जिधर 2 डगमग उधर 3रा भी चल पड़ा। और आगे पहुंचते हैं अब बिल्कुल इसके मुहाने पे, और उसके बाद दिखाते हैं पूरे तालाब का व्यू। को लगना चाहिए। एक्चुअली मेरा जो है ये गूगल पीछे पहनने का ये रीजन है कि शेर को लगना चाहिए, पीछे तो शेर आ रहा, उसको लगना चाहिए हमारी 2 आंखें पीछे भी है। और कैमरामैन जो है नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो बियर भी उसको। यू कैन सी यह तालाब का व्यू। थ्री सिक्सटी व्यू। हाँ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हाँ क्या चीज खोल खोल करियो। यह शुल्क वयस्क वन विभाग का कार्यालय। तुम कदा बजे करो ऑफिस बंद था यो? अच्छा गेस्ट हाउस सिन क्या ये पार्ट पे भरते ना क्या रेंट पर गेस्ट हाउस किराए पर भी किराए पर भी ना। अच्छा तो हां से मुड़े भी नहीं कर देंगे। व्यू फिर से तालाब का, वो रहा चौखंबा। अभी चलते हैं वापस घर की ओर। हाँ और अगर शांति चाहिए तो नाइट स्टे, और रौनक चाहिए तो भाई साहब दोपहर को आओ, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं। रौनक है भाई दोपहर को, भाई हमने ऑब्जर्व किया भाई रौनक को। तभी कह रहे भाई। खाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, मैगी की व्यवस्था, सारा सब कुछ मिलेगा आपको, पूरी उचित व्यवस्था यहाँ पे। और रात को वीडियो नहीं बना पाए, अभी जाते हुए छोटे छोटे वीडियो शूट करेंगे। टाइम हो गया है 1:15 और पहुँच गए भाई साहब गाड़ी में, और चलते हैं अब वापस घर के लिए। तो मिलते हैं आगे कहीं पे अच्छी सी लोकेशन पे।